पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा धुरंधर रिस्पॉन्स आने वाला है. आई थिंक इट इज़ सो ओवरवेलमिंग द वे पीपल आर एक्सेप्टिंग द फिल्म, एंड जिस तरह से उन्होंने आई थिंक ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दंगल. कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री हो रही है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एंड मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये होने वाला है. आई वाइल्ड शूटिंग एज वेल, मुझे लगता था कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि लोग ऐसी बातें बोलेंगे कि पिछले 10 साल में ऐसी फिल्म नहीं बनी और 10 साल तक फिल्म नहीं, ऐसी फिल्म नहीं बनेगी, दिस इज़ द बेस्ट आमिर खान फिल्म. सो ये सब बातें जो लोग बोल रहे हैं, एंड उसके साथ साथ कमाल की बात ये है कि आफ्टर यू नो प्राइमरली दिस फिल्म इज़ ऑन रेसलिंग एंड दिस फिल्म इज़ अबाउट डॉटर्स, डॉटर्स को सेलिब्रेट करता है करती है ये फिल्म. एंड उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ना ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर लोग पहचान पा रहे हैं कि ओमकार भी है कोई उस फिल्म में, आई थिंक बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है टू द राइटर्स, टू द डायरेक्टर, टू आमिर सर, टू मुकेश शर्मा, टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने इन छोटे छोटे यू नो पहलुओं का भी ध्यान रखा है. तो इनिशियल जब मेरा रिएक्शन था कि मैं आमिर खान के साथ फिल्म करने वाला हूँ, तो वो तो एक ड्रीम ही था, लग नहीं रहा था कि ये सच है बात. वंस आई रीच देयर, तब मुझे फिर भी पहले एक दो दिन हिचकिचाहट हुई कि मैं आमिर खान के सामने बैठा हूँ. थोड़ी सी पहली जो मीटिंग थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी, क्योंकि मैंने वो पीके वाला आमिर खान देखा हुआ था, सुना था कि आमिर सर वेट गेन कर रहे हैं, फिल्म के लिए वेट गेन कर रहे हैं, लेकिन सडनली मेरे सामने वेट गेन हुए हुए आमिर खान विद यू नो थोड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी के साथ सामने आ गए, तो मैं एकदम से पहले तो ऑफकोर्स पहचान पाया, लेकिन पहचानने की वो कोशिश करता था, अरे आमिर खान जैसे दिखते हैं, हैं वो ही. सो यू नो इट्स लाइक यू वांट टू पिंच योरसेल्फ कि ये इज दिस फॉर रियल और नॉट. इट्स लाइक इन द फिल्म जब तक ताऊ जी ने शाबाश नहीं बोल दिया अपनी बेटियों को, तब तक दिल को तसल्ली नहीं हुई. सो वन इज़ ऑफकोर्स टॉपिंग द चार्ज इज आयुष भैया, माई वाइफ, माई पेरेंट्स हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी, माई भाभी टुक अ वाइल टू you know say things to me about the film, she was absorbing it first, aur unko thodi si ek aisi aadat hai ki wo meri aur Ayush bhai ki film kuch zyada bariki se dekhti hain. And then my wife you know this, she has not seen me a lot of times on the screen because I'm a beginner, to ek alag experience tha unke liye. And unhone sabse meri wife ne sabse pehle ye film dekhi thi Aamir sir ke ghar pe 3 mahine pehle, so she was relaxed, she was like jo tumne mujhe abhi dikhaya mujhe pasand aaya hai. And I don't think so, you should worry. पहली बात तो जब वो फिल्म देख रहे थे मैं उनके आसपास नहीं बैठा, मैं निकल गया था, बाहर निकल गया, मैं पहले फिल्म देख चुका था, तो मैंने उनको अंदर तक सिनेमा हॉल तक लेके गया जिस दिन हमारा प्रीमियर था फिल्म का, उनको वहाँ छोड़ा और वापस बाहर आ गया, मैं उनको इंटरवल में भी नहीं मिला. यार एन आर्टिस्ट विल ऑलवेज बी एन आर्टिस्ट. मैं स्टाइलिस्ट भी था बीच में कुछ टाइम, आई बीन अ रेडियो जॉकी, आई एम अ वीजे, आई एम अ क्रिकेट होस्ट विद स्टार स्पोर्ट्स, मैं अभी भी वो कर रहा हूँ. हाँ जी, मैं हरियाणा से क्रिकेट भी खेलता था. एंड उसके साथ साथ यू नो थिएटर चल रहा था, कुछ ना कुछ मैं करते जा रहा था आसपास. और मेरा सीन था ऑडिशन वाला, जब पटियाला जाने से पहले ताऊ जी कपड़े पैक कर रहे हैं बैग में, एंड ताई जी साक्षी हेल्प कर रही हैं उनको पैकिंग में, एंड आई सडनली गेट अप फ्रॉम माई सीट एंड से ताऊ जी मैं साथ चलता हूँ, ताऊ जी मैं खाना बना दूंगा, सब्जी काट दूंगा, पैर दबा दूंगा, आपका सब काम कर दूंगा, एंड कॉमनवेल्थ का मामला चांस नहीं ले सकते ना. ये जो लाइन है कॉमनवेल्थ का मामला है चांस नहीं ले सकते ना, मैंने बहुत ही कड़क इमोशन के साथ ऑडिशन में बोली थी. मैं दिल्ली में रहता था 7-8 साल, रेडियो वहाँ पे किया विच इज़ क्लोजर टू हरियाणा, तो आपके लिए ऑफकोर्स थोड़ा आसान हो जाता है हरियाणवी पकड़ना, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ की थोड़ी सी एक अलग फाइट थी व्हेन इट कम्स टू नरेशन और अदरवाइज इन टोटैलिटी. आपने हरियाणवी बोलना और उसको साथ में पूरी फिल्म के सुर के साथ निभाना आर डिफरेंट थिंग्स. आई हैव टू डेफिनेटली से आमिर सर नेम विल टॉप द लिस्ट, स्पेशली बिकॉज जो 1.5 साल मैंने उनके साथ स्पेंड किया है इस सेट पर, यार ही हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन. मुझे ऐसा लगता है हर एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. ही हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन. इफ यू गेट और ज़्यादा यंग अगर आओ सो ओनली आलिया भट्ट. आई थिंक राइट नाउ आलिया भट्ट जिस जो एज है आलिया भट्ट की, शी डजंट हैव एनी कॉम्पिटिशन. यू नो आई थिंक अभी कोई किसी चैट शो पे कह रहा था शी इज़ टू सक्सेसफुल फॉर हर एज, विच इज़ राइट यार, बट
I mean, it is, I think, very difficult to do what she has done at this age. Hats off to her. Nitesh sir aur Aamir sir ki ek aisi kadak team hai, aur bonding to hai hi hai, definitely. दोनों आपस में इतने कंफर्टेबल हैं. आई थिंक ये इतना बड़ा रीज़न है एक दूसरा कंफर्टेबल होना कि इतनी बड़ी फिल्म बन पाई और इतनी अच्छी और इतनी ऑनेस्ट फिल्म बन पाई. अगर लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इतनी अच्छी फिल्म बनी नहीं सकती है. एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री विल बी रियली हैप्पी इफ दे कोलैबोरेट अगेन, क्योंकि हु डजंट वांट टू वॉच गुड सिनेमा. अगर हमें अगले साल दोबारा से डेढ़ साल बाद, जब आमिर सर साल डेढ़ साल दो साल में अपनी अगली फिल्म लेके आते हैं नॉर्मली, अगर दोबारा से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, नथिंग लाइक इट यार. मैं एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कर चुका हूँ, विच इज़ दैट आई एम अ फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन. एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आसान था ये किरदार निभाना, क्योंकि उस लड़के के यू नो खून में भी पहलवानी नहीं थी, वो खुद भी रेसलर नहीं था. सो मेरे पास शायद वो माइंडसेट था ऑफ अ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन जो मैं बन नहीं पाया. इन द हेड अदरवाइज इन माई स्पिरिट आई एम अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन. मैं बहुत रेगुलर अभी भी सारी स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करता हूँ. आप मुझे अगर आज की डेट में कहेंगे कि आप एक फ्री ट्रिप टू लंदन ले लें, या फिर आप एक फ्री फुटबॉल मैच ले लें एट अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं शायद मैच जाके खेल लूँगा यार. हाँ, मैंने बताया बद्रीनाथ की दुल्हनिया एंड जो मेरा गाना आ रहा है, इट्स अ सिंगल जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है, एंड शायद मैं गाऊंगा अभी. लेट्स सी, आई डोंट नो, अभी वो थोड़ा इनिशियल स्टेज में है. टू बिकम अ बेटर एक्टर यार, एंड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड टू बिकम अ बेटर स्पोर्ट्स पर्सन, टू बिकम अ बेटर फ्रेंड, अ बेटर ब्रदर, अ बेटर सन, अ बेटर हस्बैंड, टू बिकम बेटर इन व्हाटएवर आई कैन आई विल डू. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू दंगल एंड स्पेशली ओमकार. विश यू ऑल अ फैंटास्टिक 2017. आई होप ये साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो.